कुकरा इंसान की 15 से 20 सेकंड्स की क्लिप काट काट कर ये बता दिया कि उसके अंदर बहुत एरोगेंस है, उसके अंदर एटीट्यूड बहुत आ चुका है, फेम उसके सर पर चढ़ गया है वगैरह वगैरह। हेलो पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का ये वीडियो वीकेंड का वार विद सलमान भाई, अगर इसे फ्रेम बराबर कर दे तो एक ही बात आती है कि जो जिसकी ज्यादा सुनता है उसके ऊपर ही वार करते रहो भाई। आज का ये वीडियो, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि वन यूट्यूबर वर्सेस द होल फैमिली चल रहा है भाई, सेम गोस विद फर्स्ट एपिसोड के अंदर दिबांग भाई और आज के एपिसोड जो है 50th एपिसोड ऑफ बिग बॉस उसके अंदर सलमान भाई, दोनों मिलकर उनके फेवरेट एक ही आदमी जिन्होंने पहले एपिसोड में कहा था इसके अंदर हवा भरी हुई है और आज ये 50th एपिसोड के अंदर जहाँ पर एक बात ऐसी नहीं छोड़ी कि जिसके अंदर आप बता सको कि फुकरा इंसान के अंदर हवा भरी हुई है, ऐसा एपिसोड बना के रख दिया भाई। पूरा वीकेंड का वार 90% ऑफ द एपिसोड गोज टू फुकरा इंसान भाई, पूरा फुकरा इंसान के ऊपर वीडियो बना के रखा है वो लोग ने। शुरुआत हुई पाप के घड़े से भाई, एक सिंपल टास्क था जिसका नाम था पाप का घड़ा। पाप का घड़ा अगर आपका भर गया है तो आपको बुलाकर एक सिंपल एलिगेशन लगा करके क्यों आपके ऊपर ये कीचड़ डाला जा रहा है, आपका पाप का घड़ा क्यों भर गया है, एज सिंपल एज दैट। ये टास्क था सिंपल, आप समझ गए ना, समझ गए ना। मगर यहाँ पर बिग बॉस में जो 7-7 हफ्ते रह चुके हैं मगर तो भी उन्हें समझ नहीं आता कि ये पाप का घड़ा टास्क क्या था। 2-3 लोगों ने कहा कि हम नहीं करेंगे, अच्छा फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हम पर, बिग बॉस के कहने पर भी ये लोग टास्क नहीं कर रहे, रिजल्टिंग टास्क रद्द। डिग्री नहीं ना तेरे पास, बिग बॉस जाना जाता है अपने टास्क के नाम पर और बिग बॉस के कहने पर भी अगर तुम टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आपको सिर्फ एक आदमी के पास हम लेके जा सकते हैं और वो आदमी का नाम क्या है, सलमान भाई, जो आखिर में वीकेंड की वार पर सबकी क्लास लेंगे भाई। यहां पर तो कुछ उल्टा ही हो गया, वीकेंड का वार स्टार्ट हुआ सलमान भाई बीइंग द भाई एकदम सिंपल आते आते हुए बात करके, भाई तुम्हारे पाप का घड़ा तो नहीं भरा, हमने सोचा कि अभी किसी की क्लास लगेगी जिसने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया, मगर यहाँ पर भाई ने बोल दिया, पूजा जी व्हाई आर यू फीलिंग लो, क्या बोला तूने भाई, लो की बात ही क्यों करनी, जिसने टास्क किया ही नहीं उसकी बात करो ना भाई। और यहाँ पर ये बात फोकस में ना इसलिए थोड़ी बात कर ये टॉपिक को हटा दिया और आ गए सबसे फेवरेट इंसान के ऊपर जिनका फेवरेट है फर्स्ट डे से और आज के 50th एपिसोड तक, फुकरा इंसान। हेलो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। फुकरा इंसान का नाम सुनते ही पता नहीं ये लोगों के दिमाग में क्या आ जाता है भाई, फुकरा इंसान ने ये किया, फुकरा इंसान ने वो किया। भाई जिसने टास्क नहीं किया उसको तो तुमने सॉफ्ट कॉर्नर देकर साइड में हटा दिया और जो आदमी ने इतने सारे एपिसोड में छोटी छोटी बात कहीं ना कहीं की होगी भाई, 15 से 20 सेकंड की छोटी छोटी क्लिप्स काट कर ये बता दिया कि फुकरा इंसान के अंदर बहुत ही एटीट्यूड आ गया है भाई। ऐसी ऐसी क्लिप्स निकाली है भाई कि जहाँ पर फुकरा इंसान बोल रहा है कि मैंने यूट्यूब कम्युनिटी की ऑडियंस लाई है, ये बात सुनकर लोगों को जो भी देख रहा है बिग बॉस उसको ऐसा लगेगा कि फुकरा इंसान बहुत ही फेम के अंदर आ गया है, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, बहुत ही हवे में उड़ रहा है भाई। ऐसी बात बताकर ये लोग फुकरा इंसान को भाई डिफेम करना चाह रहे हैं ऐसा ही लग रहा है भाई। दूसरे क्लिप में ये बताया कि फुकरा इंसान ये बात कर रहा है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले को विनर कभी गिनता ही नहीं, फुकरा इंसान और अलीश यादव के बीच में फाइट करवाना चाह रहे हैं ये लोग, जो दिखता है वही बिकता है। और जिस हिसाब से यहाँ पर फुकरा इंसान को डिफेम किया जा रहा है पता नहीं एट दी एंड ऑफ द वीक, एक लास्ट वीक बचा और उसके अंदर क्या हो जाएगा वो पता नहीं और क्या रिएक्शन होंगे लोगों के पता नहीं और वोट्स के ऊपर इसका असर पड़ेगा या नहीं वो भी पता नहीं। और मैं आपको पहले बोल दूं, ना ही मैं फुकरा इंसान की साइड ले रहा हूँ और ना ही मैं बिग बॉस का फ़ैन हूँ, मगर ये लोग ने मेरी पहले वीडियो की जो बात थी वो लोग ने साबित कर दी, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि ये बिग बॉस की थीम यही होनी चाहिए थी, वन यूट्यूबर वर्सेस द होल फैमिली। इसलिए कहते हैं भाई तुम तुम्हारी पर्सनैलिटी कब तक फेक कर सकते हो, 2 घंटा 5 घंटा 1 दिन 2 दिन, मगर जब तुम्हें 24/7 एक कैमरा के सामने आपको घिरे हुए रहना है तो तुम कितने टाइम तक अपनी पर्सनैलिटी फेक करोगे भाई। और यहाँ पर जितने भी एपिसोड हो चुके हैं 1 to 50 से लेकर भाई जितना भी टाइम चल रहा है भाई, ट्विटर का ट्रेंडिंग पेज देख लो या यूट्यूबर्स के यूट्यूब वीडियोस देख लो या फिर कोई भी OTT एप्स जहाँ पर ये बिग बॉस का ये लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सब जगह पर फुकरा इंसान अलीश यादव, फुकरा इंसान अलीश यादव, ये लोगों का यही गेम चल रहा है। तो मोस्टली ये पूरे एंड तक ये लोग ने यही सीरीज चलाई है, मगर लास्ट में थोड़ा मसाला डालने के लिए
ये लोग ने एक टास्क ऐसा बता दिया जहां पर अविनाश ने थोड़ा स्मार्ट प्ले कर लिया, और वहां पर बात क्या आ गई, मास्टरमाइंड अविनाश, अविनाश इज द मास्टरमाइंड। तो इससे जो अफेक्ट होने वाला है वो है मोस्टली फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। क्या ये डिफेमिंग वीडियो फुकरा इंसान के वोटिंग्स में कुछ फर्क लाएगा या फिर लोगों के सिस्टम को हैंग करने वाला? वो ही जीत जाएगा। इन बोथ द केसेस यूट्यूबर कम्युनिटी की जीत है। तो देखते हैं फिनाले के अंदर क्या होता है। इन दोनों की जीत के सिवाय कुछ और होता है तो भाई माफ करना। अंटिल देन बाय बाय।